मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि बहुत बड़ा आप लोग का साइड से जो ऑर्गेनाइज कर अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये जो केस है देखा जाए तो डॉक्टर लोग को ऑर्गेनाइज कराना चाहिए था, बट इवन दो आप लोग जो मेडिकल यूनिवर्सिटी उनका द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है हमारा लॉर्ड्स मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट जीरो पे, तो मैम इनको लेके आपका विचार क्या है जो केस कोलकाता पे जो 9 अगस्त में जो हुआ है उनको लेके? बहुत डिसअपॉइंटिंग था वो और बहुत एक्चुअली बहुत शेमफुल है कहा जाए तो। एक्चुअली हम लोग सैटरडे को ये प्लान कर रहे थे करने का, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स एंड पर्टिकुलरली हमारे फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स जो मेडिकल हम क्योंकि हमारे मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है तो हमारे सारे स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज़ वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि हम लोग को मैडम ये करना है, पीस रैली निकालना है, क्योंकि वी आर नॉट मीन्स ओके विथ जो भी हुआ, मतलब ना उनको बहुत अफसोस था इसका जो हुआ। सो हम सैटरडे को ही करना चाहते थे बट सर्टन पेपर वर्क के वजह से हम लोग आज किए हैं इस चीज़ को। एंड इसके थ्रू हम कुछ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, ये हमारी तरफ से एक काइंड ऑफ कॉन्डोलेंस था, क्योंकि एज अ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी हमें करना चाहिए ये बहुत। अगर एक डॉक्टर अपने ड्यूटी आवर्स में सेफ़ नहीं है तो हम नॉर्मल पब्लिक जो है हम लोग कैसे सेफ़ हैं? सो इसलिए प्रोटेस्ट ज़रूरी था, हमारी तरफ से एक पीस रैली निकाली गई थी, ये बहुत ज़रूरी था करना, क्योंकि हम बताना चाहते थे कि जो लोग भी जस्टिस के लिए वहाँ फाइट कर रहे हैं कोलकाता में, हम सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैम ये जो रैली है ये रैली एक्चुअली 17 और 18 अगस्त में कराने के बाद जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा से नोटिफिकेशन दिया गया था, बट हमारा यहाँ पे जो लॉर्ड्स मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट जीरो पे यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा से कोई यहाँ में हमें रैली देखने को नहीं मिला है, तो मैम उनको लेकर आपका क्या विचार है ऐसे? तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, आई एम सो सॉरी। मैम आपकी तरफ से आप डॉक्टर्स को बोल के नहीं देखा रैली को? हमने दिया था कोलाबोरेशन के लिए, हमने लेटर दिया था बट उनके भी सर्टेन इंगेजमेंट्स थे, वो किसी दूसरे काम में बिजी थे, हालांकि उन्होंने कहा कि वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और वो वाकई ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, बट शायद इससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम था इस वजह से उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो मैम जैसे कि लास्ट 14 अगस्त का जैसे कि आप लोग ने तिरंगा यात्रा किया था, तो वही टाइम को आप लोग ने इस रैली को क्यों नहीं किया था? दोनों का थीम ही डिफरेंट है। इंडिपेंडेंस डे हम लोग एक खुशी में सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन, है ना, मतलब आप लोग कह सकते थे कि मतलब आज़ादी का दिन में मतलब फ्रीडम मिलना चाहिए लड़की लोगों को भी। नहीं लेकिन एक्चुअली सर प्लीज़ आप इसको आंसर करेंगे। कर तो सकते थे लेकिन क्या है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो बैंडविड्थ जो मैनेजरियल बैंडविड्थ है वो भी देखना होता है। हम एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक साथ मल्टीपल रैलीज को ऑर्गेनाइज करें और कंट्रोल करें। शहर में किसी रैली को निकालने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, ट्रैफिक जाम ना हो, रास्ते में कहीं कोई इंसिडेंट ना हो जाए, और एक बार 3-4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बच्चे किसी और जगह पर पैदल चलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो ये लॉजिस्टिकल रीजंस है, प्लस एक और बात होती है थेमेटिकली भी अगर देखा जाए तो दो कॉन्ट्रास्टिंग थीम्स को अगर आप एक साथ ले आते हैं तो क्या होता है, दोनों का नेट इम्पैक्ट ज़ीरो हो जाता है। सुख और दुख दोनों को एक जगह खड़ा कर दीजिए तो न सुख है न दुख है, है ना। तो 15 अगस्त का जो ये जो था ओकेजन जो था वो डिफरेंट था, आज का ओकेजन डिफरेंट है। और एक और बात है, 15 अगस्त तक हम वेट कर रहे थे कि हमारी लार्जर जो लीडरशिप जो मेडिकल कम्युनिटी की लीडरशिप जो है उसका स्टांस क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। जब हमने देखा कि लोग अपने अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हमें लगा कि अरुणाचल में एक मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज बनता है कि जो हमारे लिए पॉसिबल है, जो दिन हमारे लिए पॉसिबल है उस दिन हम करें। हमने इनफैक्ट ये एप्लीकेशन 2-3 दिन पहले दिया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन जिस दिन हमने दिया था उस दिन सैटरडे था, फ्राइडे था, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी हो गई। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ ये काम नहीं है ना कि वो हमारे लेटर पे अप्रूवल दे, तो उन लोगों ने बहुत फास्ट अप्रूवल दिया, लेकिन अप्रूवल हमें आज के लिए मिला। सर जो हमारा कलकत्ता का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से आपका साइड से आप मीडिया का थ्रू से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो ये जो इंसिडेंट है ये इंसिडेंट को स्टार्टिंग में सुसाइड का केस दिया जा रहा था, बट आफ्टर कि डॉक्टर नर्स प्रेशर देने के बाद पुलिस ने इसको छानबीन करके इनको कहा कि ये रेप और मर्डर केस है, तो सर जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए कलकत्ता की जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है ना उसको हम इसमें मतलब आप कहिए कि कॉमन लैंग्वेज में या लॉजिक के भाषा में उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस कर जाना। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने
इलॉजिकल अप्रोच में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को क्रॉस कर लिया है। अब उनसे आप किसी भी इलॉजिकल नॉनसेंसिकल चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं, है ना। आप समझिए कि जो समाज अपने डॉक्टर जैसे रेस्पेक्टेबल कम्युनिटी के सेफ्टी, उनके रेस्पेक्ट, उनके इंटेग्रिटी को लेके सीरियस नहीं है और उसको डॉक्टर के हथियारों को बचाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हम कोई पॉलिटिकल पार्टी या सरकार तो है नहीं कि उनके ऊपर प्रेशर बना देंगे। हम एक सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी हम यही कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा फोर्सफुल हो सके उतने ज़्यादा फोर्सफुल तरीके से, बट स्टेइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ एंड डिसेंसी, इन दो पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है अपने मैसेज को देने का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, वो हमने दिया। हमें पता नहीं वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। जब वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुन रहे, है ना, जब वो हाई कोर्ट की बात नहीं सुन रहे, जब वो दिल्ली गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार की बात नहीं सुन रहे, तो हमारी क्या ही सुनेंगे। लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के नाते हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी बात कौन सुनेगा या नहीं सुनेगा। सुनने वाले या नहीं सुनने वाले का अपना ये है, स्टांस है। हमारा स्टांस ये है कि हमें उस काम को करना है, है ना। इसलिए हमने अपनी ड्यूटी को समझ के इस काम को किया। अब वो देखें उन्हें सुनना है या नहीं सुनना है। सर, जो आरजी कार जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भी स्टार्टिंग में इसको सुसाइड केस देने का स्टार्टिंग में काफ़ी कोशिश किया गया है, तो सर वो रेजिग्नेशन करने के बाद भी उनको 12 आवर्स में दूसरा कॉलेज में उसको प्रिंसिपल के लिए दोबारा नौकरी मिल गया है सर गवर्नमेंट में, तो सर उनको लेके आपका क्या विचार है? ऐसे प्रिंसिपल यू डोंट थिंक कि ये काफ़ी गलत है? देखिए, मैं एक चीज़ जान जाइए, क्या है ना कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होते हैं उनके साथ में एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। अगर उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं दिया जाए तो पॉलिटिकल लीडरशिप उनको फुटबॉल बना के इधर उधर घुमाती रहे अगर वो उनकी बात ना माने तो। टेन्योर दे दिया जाए तो ये होता है, है ना। तो ये एक कैच 22 सिचुएशन है कि आप क्या करें। इंग्लिश में जिसको कहते हैं डू डैम्ड इफ़ यू डू एंड डैम्ड इफ़ यू डोंट, है ना। मतलब आप कीजिए तो भी आपको थू होगी, नहीं कीजिए तो भी थू होगी। तो ये जो, और हाँ, स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि उनके कुलीग्स और बाकी लोगों ने जो पोस्ट फैक्टो जो ओपिनियन दिया वो यही कहा कि वो ऑलमोस्ट माफिया लाइक ऑपरेशन चलाते थे वहाँ। मुझे नहीं पता है सच क्या है। हो सकता है कि जो लोग कह रहे हों वो बात गलत हो, हो सकता है वो बहुत बड़े सत्यवान आदमी हों, बहुत ऑनेस्ट हों, सारी दुनिया झूठ बोल रही हो उनके बारे में, क्वाइट पॉसिबल, है ना। लेकिन अगर लोग सच कह रहे हैं, इतने सारे लोग उनके बारे में, तो हम यही कहेंगे कि इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। रिमेंबर वन थिंग, वेस्ट बंगाल वो स्टेट हुआ करता था, एंड फॉर नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल, इनफैक्ट जब हम जेंडर रिलेशंस की बात करते हैं ना, तो ओवरऑल पूरे इंडिया में वुमेन्स सेफ्टी का रिकॉर्ड सबसे अच्छा ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का था, है ना। और वेस्ट बंगाल तो ऐसे भी एक यूनिक था क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद ही मैट्रिलिनियल फॉर्म ऑफ फैमिली का की शुरुआत होती है, जहाँ पे फैमिली में वुमेन इज़ ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज मैन, और मदर इज़ ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज फादर, और परहैप्स इवन मोर। और वहीं से ये टेंडेंसी शुरू होती है जो कि एकदम अपने एक्सट्रीम में पहुँचते हैं मेघालय में जाके। सर, मेरा लास्ट सवाल रहेगा, जो मदर है, जो रेपिस्ट है, उनको आपके हिसाब से क्या पनिशमेंट देना चाहिए? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, उनको देखा जाए तो डायरेक्ट जो फांसी का जो सिस्टम है वो नहीं है, पर सर आपके हिसाब से क्या उन लोगों को पनिशमेंट देना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये मतलब इस बात पे ओपिनियन देना समझदारी नहीं होगी, इसलिए कि अगर आप किसी क्राइम में ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई पनिशमेंट प्रेस्क्राइब कर दें तो उसका ना एक डाउन साइड होता है। कई बार क्या होता है कि लोगों का ना मीडिया ट्रायल भी होता है, है ना, जो उन्होंने किया नहीं होता है उसके लिए भी ढेर सारे लोग मिलके उनको ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जो बाद में गलत साबित होता है। आपको पता होगा कि ढेर सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे औरतें फंसाती हैं लोगों को कि इन्होंने हमारा
ये किया है, फिजिकल अब्यूज़ किया है, राइट। उस केस में अगर ऐसा लॉ बन जाए और आदमी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया और बाद में पता चला कि वो निर्दोष था, तब क्या करेंगे? इसलिए सवाल लॉ बनाने का नहीं होता है, सवाल होता है इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी को अवेयर बनाने का। अगर मैं रेपिस्ट हूँ तो लॉ बना देने से मेरी रेप करने की टेंडेंसी नहीं चली जाएगी, और अगर मैं रेपिस्ट नहीं हूँ तो लॉ हो या ना हो मैं रेप नहीं करूँगा, है ना। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के लेवल पे एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन चेंज हो। औरतों को एक टॉय नहीं बनाना चाहिए, है ना, एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर का दर्जा नहीं देना चाहिए। दे आर इक्वल टू मैन, उनकी वही राइट्स वही रेस्पेक्ट होनी चाहिए जो और मर्दों को मिलता है। ये जब करेंगे तो कानून हो ना हो इट डज़ नॉट मैटर। अरुणाचल में ट्राइबल सोसाइटीज़ में लॉ है क्या? नहीं है ना। बट हार्डली एनी वन रेप्स एनी वन, वाई? क्योंकि वुमेन सेफ्टी को बहुत इम्पॉर्टेंट रखा जाता है, सोसाइटी में उनकी इज्जत है, है ना। तो दिस इज़ समथिंग दैट द रेस्ट ऑफ इंडिया कैन लर्न फ्रॉम अरुणाचल, है ना। दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। तो सर मैं लास्ट क्वेश्चन होगा, आप लोग रियली तो बहुत अच्छा रहा है जो कोलकाता में जो हुआ है, तो वो तो इतना दूर नहीं, वन मंथ भी नहीं हो रहा है। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश दापोरिजो में 13 ईयर्स का बच्चा को 5 आदमी मिलकर रेप किया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो रिसेंटली हुआ है ये, देखिए जब क्या है ना, एक बार ना जब बॉडी में इन्फेक्शन होना शुरू हो ना, तो वो किसी एक जगह पे नहीं रहता है, है ना। लेट से आप किसी को इन्फेक्शन पैर में हुआ तो बहुत चांस है कि वो होते होते दूसरे बॉडी पार्ट में भी हो जाएगा। तो ये ना एक सोशल डिजीज़ है ना, जिसको किसी एक जगह रोक देना पॉसिबल नहीं है। या तो इसको हम रूट से फिनिश करेंगे, और नहीं तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि आज पैर में है, कल हाथ में होगा, परसों सर में होगा, उसके नेक्स्ट डे कान में होगा। तो इंडिविजुअल इंसिडेंट से डील करने के बजाय ना, हम सोसाइटी एज अ होल मिलके इसको एक डिजीज़ के रूप में अगर ट्रीट करें, सोशल डिजीज़, साइकोलॉजिकल डिजीज़, तो शायद हम ज़्यादा सफल रहें। थैंक यू सर।